अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज है जी 14 अगस्त, और सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ़ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों को आपका पाकिस्तान और हमारा पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि लोग पाकिस्तान को बहुत बुरा भला बोलते हैं, उन लोगों में हम भी शामिल हैं, लेकिन इस पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत सी सहूलियात, बहुत सा सुकून है। आप उन लोगों से पूछें जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, ओवरसीज़ जिनको कहते हैं, उनकी कंडीशन आप लोग देखें। वो अपने फैमिली वालों से मिलने को तरसते हैं, वो अपने शादी ब्याह जो भी उनके फंक्शंस होते हैं वो उनको अटेंड नहीं कर सकते, उन लोगों की जो गमी खुशी होती है वो उनमें इजीली शामिल हो नहीं सकते। तरस तरस के वो लोग मोबाइलों पर और वीडियो कॉल्स पर अपनी ज़िंदगी और अपनी खुशियाँ जो हैं वो इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो भाई, हम उन आवाम में से हैं जो हम नाशुक्रे हैं, हम पाकिस्तान की कदर नहीं करते। लेकिन जब 14 अगस्त आती है तो भाई सबके हाथों में बाजे होते हैं, सब लोगों ने पों पों बाजों का बजाना होता है। और मैं एक वीडियो भी देख रही थी कि भाई 14 अगस्त के दिन आप लोग जो है वो बाजे ना बजाएं, क्योंकि पाकिस्तान का ऑलरेडी बाजा बज चुका है। तो भाई इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये है जी 14 अगस्त की रात। बात को मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई 14 अगस्त जो है वो स्टार्ट हो गई है, और ये है जी 12 बजे का टाइम। तो यहाँ पे मैं आप सबको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। इसके बाद भाई हम अपना व्लॉग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, तो हम कहाँ थे कि भाई लोग जल्दी जल्दी से फ़ौरन से स्टेटस लगा लेते हैं, प्यारे प्यारे से कपड़े बना लेते हैं कि भाई हम लोगों ने 14 अगस्त जो है वो सेलिब्रेट करनी है। लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं देखता कि भाई ये आप लोगों का मुल्क है, इसको आप लोगों ने साफ़ रखना है। कितने ही कोई लोग हैं, आप लोग मेरी बात से इत्तेफ़ाक़ करेंगे कि भाई अगर वो कहीं पार्क वगैरह चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, सबसे पहले तो उन लोगों को ना अपनी मुल्क की सफाई का भी ख्याल नहीं होता। जो खाएंगे रैपर वगैरह जो भी होगा वो इसी पाकिस्तान में फेंक के जाएंगे, और फिर कहेंगे कि भाई पाकिस्तान साफ़ नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग अपने को सुधारें, सफाई आप लोगों के मोहल्लों से स्टार्ट होती है। तो आप लोग अपना मोहल्ला साफ़ रखेंगे, उसके बाद आप लोग रोड की तरफ जाएंगे तो इसी तरह आप लोगों का पाकिस्तान जो है वो साफ़ होगा। बातें बहुत सी हैं, लेकिन चलें आज 14 अगस्त है तो हमने सोचा चले 14 अगस्त का व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो कि थोड़ा छोटा सा ही है। इतना ज़्यादा हम लोग जो है वो बाहर आते जाते नहीं हैं 14 अगस्त के वाले दिन, लेकिन चलें ये आप लोगों ने पीछे जो देखे थे, पाकिस्तान की जो आवाम है वो हवा में उड़ रही है। और मेरी बहन को लेनी थी कुछ थोड़ी बहुत सी चीज़ें, आपको पता है बच्चों की तो होती ही ईद है तकरीबन 14 अगस्त वाले दिन, लोगों को कपड़े चाहिए होते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं बच्चों की, वो उनको चाहिए होती हैं। तो भाई वो हमने इनको दिलाने के लिए बाज़ार का रुख किया था, और यूजुअली हम लोग हर दफ़ा बाज़ार जाते नहीं, हम घर में ही होते। इस दफ़ा मैंने कहा चले मैं बहन को लेके जाती हूँ, उसको चीज़ वगैरह जो भी उसको चाहिए वो लेके देती हूँ। लेकिन जब मैं बाज़ार गई तो फिर मैं देख के हैरान हुई कि भाई 14 अगस्त वाले दिन सारे के सारे बाज़ार तकरीबन बंद ही थे, और चीज़ें जो थी वो बहुत कम रह गई थी, क्योंकि शुरू शुरू में सब लोग शॉपिंग कर लेते, सब बच्चे शॉपिंग कर लेते, लेकिन हम थोड़े से मसरूफ़ थे, थोड़े से लेट थे, जिस वजह से हमने कहा चले कोई नहीं, हम लोग आपको 14 अगस्त वाले दिन ही शॉपिंग करवा देंगे। लेकिन जब हम गए तो चले देखा, फिर हमने इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें थी नहीं, इतना ज़्यादा शॉप, इतनी ज़्यादा जो शॉप्स हैं वो खुली भी नहीं थी। तो जो भी था, खैर उसको जो चाहिए था बहन को मेरी, वो उसे मिल गया था। और वही छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये बैजेस वगैरह लेने हैं, टॉप्स लेने हैं, और यही जो बच्चों की मेन मेन चीज़ें होती हैं। भाई हम लोग तो बस अब बड़े हो गए हैं, इन चीज़ों से हम लोग निकल गए हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। उन लोगों के लिए ये ऐसे होता है कि भाई आज ईद का दिन है और सब बच्चों ने तैयारी करनी है। और कुछ लोगों को मैंने बाज़ार में देखा था, बहुत अच्छी उन्होंने ड्रेसिंग की हुई थी 14 अगस्त के लिहाज से, बड़े उन्होंने ग्रीन ग्रीन और वाइट वाइट प्यारे प्यारे से सूट्स पहने हुए थे, और मैचिंग में ये बहुत प्यारा लग रहा था। अम्मियों ने और बच्चियों ने मैचिंग मैचिंग भी कपड़े पहने हुए थे, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और ये है जी बाज़ार के मनाज़िर, आप लोग देख ले, इतनी ज़्यादा कोई रश है नहीं, बस थोड़े से ही लोग हैं यहाँ पर। एक शॉप से हम लोगों ने बाकी की शॉपिंग कर ली थी, और आगे जाके फिर हमें यहाँ पे थोड़े बहुत टॉप्स अच्छे लगे थे, तो हमने कहा चले यहाँ से वो भी ले लेते हैं। बाकी की शॉपिंग हमारी हो गई थी, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि इधर इतना कोई खूबसूरत सा मास्क था जो कि मेरी फ्रेंड के लिए बना हुआ है, ये ग्रीन वाला, मजाक कर रही हूँ, ये प्यारे लग रहे थे, बच्चों के लिहाज से चीज़ें अच्छी होती हैं। बस फिर बाकी जो मैंने कहा था चले मैं थोड़ी बहुत अपने लिए भी शॉपिंग कर लूँगी, कुछ मुझे चीज़ें चाहिए थी, लेकिन बाज़ार बंद था, तो भाई हम लोगों ने फिर यहाँ से ले ली आइसक्रीम और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा शॉप्स थी नहीं, तो हम लोगों ने क्या करना था बाज़ार में। और ये इतने सारे कोई पों पों बाजे बच्चे ले लेके बजा रहे थे, ओ हो, बंदे का ना दिमाग ख़राब हो रहा था। बस हम लोग चल पड़े घर की तरफ,
क्योंकि आज 14 अगस्त का दिन था और जैसे ही मैं सुबह उठी तो मुझे पता चला कि भाई मेरे जो परिंदों वाला पिंजरा है उसमें एक अदद ये ग्रीन तोता कहाँ से आया हुआ है, मुझे नहीं पता, घर में किसी को नहीं पता, और ये एक अलग से तोता आया हुआ है हमारे पिंजरे में। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास सारे ऑस्ट्रेलियन हैं लेकिन ये लव बर्ड जो है वो पता नहीं कौन से फिशर जो इस तरह के हैं, इनके नाम है मुझे आते भी नहीं है क्योंकि मैंने कभी पाला ही नहीं है, और ये एक तोता आया हुआ है मेरे परिंदों के पिंजरे में। और सुबह एक एक को बता रही थी कि किसने इसको देखा हुआ है, कौन इसको पकड़ के लाया, किसी को नहीं पता। एक जगह से थोड़ा सा मैं कहती हूँ नेट ख़राब था शायद, उधर से ये खुद आया हुआ है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन बस हमें ख़ुद नहीं समझ आ रही कि ये आया कहाँ से है, लेकिन भाई ये मेरे पिंजरे में जो है वो आके बैठा हुआ है। और ये इतना कोई खुश है यहाँ पे इस पिंजरे में, कभी ये दाना खाए, कभी ये एक मटकी में जाके देखे, कभी दूसरी मटकी में जाके देखे, बहुत रिलैक्स है इसको, दाना पानी सब कुछ मिल रहा है, घर इसको मिल गया था तो मैं कहती हूँ ये ज़्यादा खुश था। और इतना कोई ये बोले, इतनी इसकी प्यारी आवाज़, लेकिन फिर भी सवाल वही का वही है कि ये आया कैसे इस पिंजरे में, किसी को नहीं पता। आप लोगों को कुछ पता हो कोई जादुई तोता मुझे लगता है तो आप लोगों ने कॉमेंट में ज़रूर बताना है। अच्छा अब मैं आपको दिखाती हूँ ये पिंजरा है, ये जो तार आपको दिख रही है इससे तो मैंने मटकियाँ टांगी हुई है, यहाँ पे ये थोड़ा सा खुला हुआ था तो फिर मैंने भाई को कहा इन सबको यहाँ से बंद करो, शायद ये यहाँ से आया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, छोटी सी जगह थी कैसे ये यहाँ से आ सकता है, लेकिन चले फिर भी अब ये आया हुआ है इसका मुझे नहीं पता, जो भी है इधर से ही शायद आया हो, लेकिन बस ये आया हुआ है। बाकी बातें छोड़ें, ये पिंजरे में था और ये था कैसे वो किसी को नहीं पता, और पिंजरा थोड़ा सा गंदा है लेकिन ये इसकी रोज़ तकरीबन सफाई होती है, परिंदे ज़्यादा है, सारा दिन ये खाते हैं और सारा दिन ये गंद डालते हैं तो इस वजह से ये पिंजरा कभी साफ़ नहीं होगा। और ये देखिए सब के सब एक तरह के, ये बीच में एक दाना जो है वो कहते हैं ना नून का नुक्ता, ये है और ये बड़ा खुश है इस पिंजरे में। तो 14 अगस्त वाले दिन जो है आज़ादी वाले दिन ये आके यहाँ कैद हो गया था, और ये कैद कैसे हुआ ये हमें नहीं पता। साथ ही भाई आप लोग देख ले बाहर के मनाजिर के किस तरह से रश होती है 14 अगस्त वाले दिन और कैसे लोग इंजॉय करते हैं। अच्छा मुझे लगता है इतनी गर्मी में कौन कैसे निकलेगा और इतनी रश वाली जगह में कौन जाएगा, भाई जिगरे की बात है इतनी गर्मी में ऐसे इंजॉय करना, लेकिन चले कर लेते हैं कुछ लोग। बस फिर हमने शाम में थोड़े बहुत से फ्रूट खाए और चाय वाय पी थी हम लोगों ने साथ में, बस वही बोरिंग सी रूटीन होती है भाई, हम लोग कहीं आते जाते नहीं हैं 14 अगस्त वाले दिन, तो भाई ये थी हमारी रूटीन। और ये मेरी बहन को आइसक्रीम के पैकेट में से दूसरी आधी आइसक्रीम निकल गई थी और इसकी खुशी सिर्फ हम जान सकते हैं। तो भाई ये था मेरा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।